आज अगर आप सभी घर बैठे ऑनलाइन अपना इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आज के वीडियो आप सभी लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे ही आज एक सरकारी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि 100% जेन्युइन है और घर बैठे ही आप अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही 10 दिन का पीरियड होता है इसके अंदर में ही हो सकता है तो आपको आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। क्योंकि मैंने इस वेबसाइट से कई सारे सर्टिफिकेट बनाया है, मेरे को 10 दिन के अंदर में ही मिल चुका है, तो इसलिए मैं 10 दिन का टाइम पीरियड जो होता है इनकी तरफ से दिया गया है वो मैं टाइम पीरियड में मेरे को मिल गया, तो मैं आपको भी ये टाइम पीरियड बता रहा हूँ। हो सकता है अगर मान लीजिए किसी कारण ऑफिसर छुट्टी पे हो तो हो सकता है टाइम लेट भी हो सकता है, लेकिन मेरे को मैंने जो भी अप्लाई किया मेरे को 10 दिन के अंदर में ही मिल गया था। तो ये मेरे को लगता है कि जेन्युइन वेबसाइट है और आप सभी के लिए अगर घर बैठे ही बनाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है ये वेबसाइट। आगे बढ़ते हैं और आपसे बताता हूँ यहाँ पे आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं, यानी कि आप अपना इस वेबसाइट पे किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो जरा सा लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है किसी भी तरह का हेल्पफुल वीडियो मैं लेके आऊँ वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए अपने मोबाइल होम स्क्रीन पे आज की वीडियो में कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल बनाए, साथ ही हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप आगे आने वाली वीडियो का भी इसी तरह लुत्फ उठाते रहे। मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया, आप भी सिंपली क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और यहाँ सर्च बार में आपको टाइप कर देना है सर्विस प्लस। तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया सर्विस प्लस और यहाँ आपको क्या करना है, गो पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ RTPS2 पे क्लिक कीजिए या 1 पे भी क्लिक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके का देखने को मिला, स्लाइड करके आप सभी को नीचे आ जाना है। आप यहाँ लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ लॉगिन का और हिंदी का ऑप्शन मिल जाता है, आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा लैंग्वेज और आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में हो चुका है। ठीक है ना, अगर इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश पे क्लिक कीजिएगा तो इंग्लिश में हो जाएगा। तो यहाँ हमें नीचे आना इस तरीके से स्लाइड करके, यहाँ नागरिक अनुभाग आप सभी को देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन नागरिक अनुभाग के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा, खुद का पंजीकरण, पासवर्ड भूल गए तो, और आवेदन की स्थिति देखना, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो ये चारों आपको देखने को मिल जाता है। इंग्लिश में बात करें तो आपको सिटीजन सेक्शन में रजिस्टर योर सेल्फ का ऑप्शन जो होगा उसे आपको क्लिक कर लेना है। तो हम हिंदी कर लेते हैं, बहुत से लोगों को हो सकता है कि इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो इसलिए मैं हिंदी कर लेता हूँ। आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का आपका जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को आगे तक देखिए। यहाँ खुद का पंजीकरण पे आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जितने भी स्टार मार्क दिख रहे हैं रेड कलर में ये सारे फिल करना मैंडेटरी यानी जरूरी है। तो यहाँ पे आपको पूरा नाम फिल कर लेना है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी फिल कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको पासवर्ड बना के फिल कर लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताया गया है नोट में कि किस तरीके का पासवर्ड बनाना है, कितने अंकों तक का बना सकते हैं पासवर्ड। यहाँ पे बताया गया 8 से 15 अक्षर का पासवर्ड बनाए, जिसमें कि आप इस तरीके का स्टार यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, इस तरीके का डाल के बना सकते हैं। एक नंबर होना चाहिए, एक स्मॉल अक्षर होना चाहिए, एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, पासवर्ड ऐसा बनाए और मजबूत बनाए कि आपको याद भी रहे और कोई आपका पासवर्ड हैक भी ना कर सके। ठीक है ना, यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ सेम कैप्चा आपको फिल कर लेना है, फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम सारे प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप आगे आपसे को क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे सारे डिटेल फिल कर लिया है, सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। एक बार मैं आपसे उसे कहूँगा कि आपने सारी डिटेल एक बार चेक कर लिया अच्छा से कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है, गलती हुआ तो उसको अभी सही कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं लेकिन अभी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है आप सभी को, एक OTP आपके ईमेल पे जाएगा और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, पढ़ लीजिएगा जो भी आप लिखा हुआ है, और ये OTP 15 मिनट तक का वैलिड है। ठीक है ना, तो हम चलिए OTP अपना एंटर कर लेते हैं, ऐसे उससे हो सकता है काफी कुछ मैं ब्लर कर दूँ, आप स्टेप सेम फॉलो कीजिएगा। ठीक है ना, एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया है कि आप सभी को जो वेरिफिकेशन लिंक भेजा गया है, अगर मान लीजिए आपको OTP 15 मिनट तक नहीं मिलता है, उसके बाद में मिलता है, तो आप वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपना अकाउंट। 48 घंटा तक आपका वेरिफिकेशन लिंक वैलिड रहता है। ठीक है ना, और OTP जो होता है 15 ही मिनट तक का वैलिड होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे OTP अपना एंटर कर लेते हैं। तो सिंपली आपसे को क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल वाला OTP एंटर कर देना है और यहाँ अपना मोबाइल वाला, उसके बाद वैलिड डेट पे क्लिक कर देना। तो चलिए हम एंटर कर लेते हैं सब। तो हमने यहाँ पे दोनों OTP एंटर कर लिया, वैलिड डेट पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैलिड डेट पे क्लिक करते ही आप सभी को एक इस तरीके का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर ऑन सर्विस प्लस बिहार, और यहाँ पे साफ साफ बताएगा प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन यूजिंग यूर ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है, और आप OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं लॉग इन। तो चलिए हम लॉग इन करके देख लेते हैं क्या क्या हमको फीचर्स मिलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले बता दिया आपको कि आपका जो ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर, वही होगा आपका यूजर नेम। तो चलिए हम यहाँ लॉगिन पे सिंपली क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे कुछ सावधानियाँ हैं, इसको पढ़ लेना है कि कैसे फॉर्म टाइप करना है और कैसे क्या करना है, सब कुछ बताया गया है। यहाँ लॉगिन के लिए आगे बढ़े पे हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपसे को क्या करना है, लॉगिन आईडी आपको फिल कर लेना है, जो भी आपका यूजर नेम आपने बनाया है, या OTP और पासवर्ड दोनों से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करके यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। तो हमने अपने यहाँ सारी डिटेल फिल कर लिया है और यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस प्लस के होम पेज पे आ चुके हैं
और यहाँ पे जो भी डिटेल है आप सभी को देखने को मिल जाएगा इस तरीके से, मेन्यू थीम्स लैंग्वेज और आपका जो नाम है वगैरह ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ वेलकम टू सर्विस प्लस बताया जा रहा है, क्या क्या रेगुलेटरी है सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे द फॉलोइंग आर साइलेंट फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्या क्या आप कर सकते हैं यहाँ से वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थ्री लाइन पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे चार आप सभी को ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मैनेज प्रोफाइल का, अप्लाई फॉर सर्विस का, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन और मैसेज एनालर्ट्स का। तो मान लीजिए कि आपको प्रोफाइल मैनेज करना है तो मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपका मान लीजिए कि अकाउंट बनाते समय गलती हुआ है तो उसको सही कर सकते हैं। अप्लाई फॉर सर्विस क्लिक करके आप जो भी सर्विस अवेलेबल है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या क्या सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑल सर्विस यहाँ पे ऑल स्टेट का सिलेक्टेड है। आप यहाँ से स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी स्टेट का सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्या क्या सर्विस दिया जा रहा है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सर्विस नेम, डिपार्टमेंट और स्टेट जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं है ना, नहीं तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं सर्च पे, जैसे कि मान लीजिए कि हमें रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाना है तो एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपको बनाना है तो मैंने यहाँ पर सर्च किया रेजी, उतने पे यहाँ पे आपको तीन तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे तीनों लेवल का आप सभी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट लेवल पे आप बनवाना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेजिडेंट सर्टिफिकेट एट डीएम लेवल, आरओ लेवल और एसडीओ लेवल तीनों मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इनकम लिखिएगा, मैंने सिर्फ INCU लिखा इतने पे आ गया। यहाँ पे किस लेवल पे आप बनवाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा, डीएम लेवल, आरओ लेवल और एसडीओ लेवल। तो यहाँ पे इजीली आपको ये सारे बनाने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा हमारा जानकारी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपसे बता दूँ कि पासवर्ड बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड मजबूत बनाए, और जैसा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। कम से कम एक अक्षर आपका कैपिटल का होना चाहिए, एक स्मॉल का होना चाहिए, एक फुल स्टॉप होता है इस तरीके का जो अक्षर होता है, या डॉलर का सिंबल होता है इस तरीके का जो स्पेशल कैरेक्टर होता है उसको डालना है। और उसके बाद आपको नंबर भी डालना है, एक दो तीन चार जो भी नंबर आप डालना चाहते हैं इस तरीके से ही बना सकते हैं। नहीं तो बार बार आप पासवर्ड एंटर करते रहिएगा, अपना दिमाग से सोचिए नाम का पासवर्ड डालूँ तो इस तरीके से पासवर्ड नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं और आपसे बताते हैं अगर लॉग आउट करना है तो किस तरीके से लॉग आउट करना है। तो यहाँ आपका जो नेम है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे रोल और लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लॉग आउट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक ने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी सर्विस प्लस पे अपना अकाउंट बना सके, चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। चाहे वो भी यहाँ पे अपना अकाउंट ईजी बना के जो भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है घर बैठे ही ले सकते हैं। तो आपसे भी फटाफट हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।